लेग अटैक करके 2 पॉइंट हासिल किए भारतीय पहलवान हर्षिता ने, और अंदाज लगाने का प्रयास करते हुए भारतीय पहलवान हर्षिता और रेफरी ने स्टैंडिंग में कुश्ती करने का आदेश दिया। कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप रोमा 2022 का ये बेहतरीन मुकाबला है। ग्रीस वर्सेस इंडिया वुमेन 69 kg का 0-2 का स्कोर। एक क्लाजिंग मारने का प्रयास किया ग्रीस की पहलवान ने, लेकिन डेंजर नहीं कर पाई भारतीय पहलवान को। ग्रीस की टीम की तरफ से चैलेंज फेंका गया कि यहाँ पे ग्रीस की पहलवान परम्पा का पॉइंट है, तो रिव्यू देखा जाएगा और जूरी डिसीजन लेगी कि यहाँ पे ग्रीस की पहलवान के पॉइंट हुए हैं या नहीं। रिव्यू को बार बार देखा जा रहा है ताकि सही से निर्णय लिया जा सके। और जो ग्रीस की पहलवान है वो अपने चैलेंज को जीतते हुए और डेंजर करने के 2 पॉइंट दिए गए ग्रीस की पहलवान को। जूरी का मानना है कि भारतीय पहलवान डेंजर हुई थी। और ये लगे अटैक करने का प्रयास हर्षिता के द्वारा, देखना होगा वो। और ये 2 पॉइंट हासिल किए, टेक डाउन किया भारतीय पहलवान ने 2-6 का स्कोर। कुश्ती ऑरेंज जोन से बाहर सेंटर में शुरू। रेफरी ग्रीस की पहलवान को निर्देश देते हुए कि आप बाल ना पकड़ें। बार फिर क्लाजिंग करने का प्रयास और क्लाजिंग किया, 2 पॉइंट हासिल किए ग्रीस की पहलवान ने 4-6 का स्कोर। और दोनों ही पहलवान रिलैक्स होते हुए मध्यांतर में।
मध्यांतर समाप्त कुश्ती सेकंड हाफ में। ये लेग अटैक करने का प्रयास करते हुए हर्षिता, देखना होगा वो, और ये 2 पॉइंट मिले हर्षिता को क्योंकि डायरेक्ट डेंजर में नहीं गिरा पाए रिस्की पहलवान को। क्रिस की पहलवान को वार्निंग दी गई कि फिंगर्स ना पकड़े। बहुत ही अच्छी खींच मारी हर्षिता ने, लेकिन खींच के साथ कोई अटैक नहीं कर पाई। और कुश्ती का आखिरी मिनट, और ये लैग अटैक करने का प्रयास किया हर्षिता ने, लेकिन अच्छा डिफेंस क्रिस की पहलवान के द्वारा। वर्बल वार्निंग दी गई बाकी पहलवान हर्षिता को कि वो कुश्ती लड़े, कुश्ती को रोके ना। और क्वेश्चन और पॉइंट दिया गया, क्वेश्चन कुश्ती में क्वेश्चन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर कुश्ती में 3 क्वेश्चन हो जाते हैं तो पहलवान कुश्ती से बाहर हो जाता है। 5-8 का स्कोर और ये कुश्ती में विजयी रही भारतीय पहलवान हर्षिता। ग्रीस की पहलवान को हार का सामना करना पड़ा।